Hello, John. Let's see this question. When karyokinesis is not followed by cytokinesis, it results in formation of A. Uninucleate, B. Multinucleate cell, C. undifferentiated cells, or D. diploid cells. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि जब कैरियोकाइनेसिस फॉलो नहीं होता किससे, साइटोकाइनेसिस मीन्स जब साइटोकाइनेसिस नहीं होता आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस, देन क्या रिजल्ट, इसमें क्या रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है. हमें यूनि न्यूक्लिएटेड सेल्स मिलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स मिलते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स मिलते हैं, या डिप्लॉयड सेल्स मिलते हैं. तो इस क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करें. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है बच्चों. की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है सेल डिवीजन. बच्चों जो सेल डिवीजन है इसका दो पार्ट होता है बच्चों. एक होता है कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है बच्चों साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लई होता है. और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चों, साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है. तो अगर कैरियोकाइनेसिस जो कि है डिवीजन ऑफ न्यूक्लई, ये अगर हो जाए और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ना हो, तो हमें क्या देखने को मिलेगा. आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ. ये एक सेल है, यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चों. अभी ये सेल 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 डिवीजन करने की कोशिश कर रहा है, और सेल डिवीजन का दो पार्ट है बच्चों, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस. तो इसमें अगर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस ये कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों. सेल ये हो गया सेल हमारा, ये इसका डॉटर न्यूक्लाई, ये इसका डॉटर न्यूक्लाई आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, ठीक है बच्चों. और आफ्टर साइटोकाइनेसिस कैसे दिखेगा बच्चों, आफ्टर साइटोकाइनेसिस ये कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों. ये हमारा एक डॉटर सेल, ये हमारा दूसरा डॉटर सेल, ठीक है बच्चों. आफ्टर साइटोकाइनेसिस ऐसे दिखना चाहिए, और हमें मिलेंगे यूनिन्यूक्लिएटेड सेल. ये एक सेल, ये एक सेल जिसमें एक ही न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है. बट अगर ये साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि साइटोकाइनेसिस इज नॉट अकरिंग. अगर साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं कर रहा कैरियोकाइनेसिस, देन इसका क्या होगा इफ साइटोकाइनेसिस डजंट फॉलो, ठीक है बच्चों. तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ. If cytokinesis doesn't occur, तो उस केस में बच्चों जो सीन होगा ये कुछ ऐसा होगा. ये था हमारा मदर मदर न्यूक्लियस, ये था हमारा मदर सेल, और इसमें जो सेल्स हैं बच्चों ये ऐसे ही रह जाएंगे जो जैसा हमें कैरियोकाइनेसिस के बाद देखने को मिल रहा था, एग्जैक्टली वैसे ही देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है बच्चों, ये न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर मींस इसका, क्योंकि एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो एक ही सेल के अंदर हमें दो न्यूक्लियस देखने को मिले. मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस देखने को मिले, तो ये हो गया हमको मल्टी न्यूक्लियेटेड. ये कंडीशन, ठीक है बच्चों. अगर कैरियोकाइनेसिस को साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं कर रहा, देन हमको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगा, तो हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स मिलेंगे. तो ये था हमारा करेक्ट आंसर बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अभी बाकी सब ऑप्शंस को देख लेते हैं. ऑप्शन ए यूनि न्यूक्लियेट सेल, यूनि न्यूक्लियेट सेल हमें बच्चों जनरल केस में देखने को मिल रहा था, जहां पे कि कैरियोकाइनेसिस के बाद हमें साइटोकाइनेसिस देखने को मिल रहा था.
बट अगर साइटोकाइनेसिस ना हो तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी ऑप्शन सी, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हम किसको कहते हैं बच्चों, ऐसे सेल्स जो कि डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन कब होता है, आफ्टर द सेलुलर डिवीजन, जब बहुत सारे सेल्स गैदर हो जाते हैं बच्चों, उनको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस असाइन किया जाता है हमारे बॉडी में, और वो जो बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस करते हैं उसके लिए डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है सेल को, मीन्स मैच्यूरेशन ऑफ द सेल एक टाइप का हम कह सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल, ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल ये आंसर हो ही नहीं सकता। अभी डिप्लोइड सेल्स, ये हो सकता है बच्चों, डिप्लोइड सेल्स एक करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि नहीं बच्चों, डिप्लोइड सेल्स करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। क्यों, जो प्लॉयडी होता है बच्चों वो हमें क्या बताता है, प्लॉयडी हमें बताता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। माइटोटिक डिवीजन में हमें ये देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं बच्चों, तो और म्यूटिक डिवीजन में हमें क्या देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें डिफरेंट मिलते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें हाफ देखने को मिलता है। बट हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि प्लॉयडी से न्यूक्लियर सेल डिवीजन का कोई लेन देन नहीं है बच्चों, प्लॉयडी यहाँ पे सेम ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं, और साइटोकाइनेसिस के अंदर क्योंकि दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट है, या फिर बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसमें प्लॉयडी का कोई रोल नहीं है बच्चों। एक्चुअली प्लॉयडी हमें कुछ देखने को मिलेगा, और डिप्लॉयड तो हो ही नहीं सकता, हमें इससे मल्टीप्लॉयड देखने को मिलेगा। डिप्लॉयड गलत आंसर है, हमें मल्टीप्लॉयड ही प्लॉयडी देखने को मिल सकता है, बट डिप्लॉयड इज रॉन्ग आंसर। डिप्लॉयड तो हमें जनरल केस में देखने को मिलता है ना बच्चों, जहाँ पे कि नॉर्मल माइटोसिस हो रहा है, तो उस केस में हमें डिप्लॉयड सेल्स देखने को मिलेंगे, बट इस केस में हमें मल्टीप्लॉयड सेल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, हमें मल्टीप्लॉयडी देखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लॉयडी। इसे मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमें मल्टीप्लॉयडी देखने को मिल रहा है। सो डिप्लोइड सेल्स ये गलत ऑप्शन है बच्चों, डिप्लोइड सेल भी गलत ऑप्शन है। सो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, थैंक यू।